शुरू करें। नमस्ते गाइस, मेरा नाम को है टोक्यो जापान से हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए मैं आज किंग के साथ घूम रहा हूँ। वन पीस एक जापानी कार्टून कॉमिक है ना। तरह अपना परिचय तो करना यार। यूट्यूबर अपने यूट्यूब पे हिंदी में जापानी संस्कृति या जापानी भाषा सिखाती हूँ। और हम लोग अभी कुछ खाने जा रहे हैं। हाँ। नाश्ते के लिए जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मुंबई में रास्ते में डोसा इतना खाया नहीं है, ज्यादा खाया नहीं है, तो आज मैं खिलाना चाहता हूँ इनको यहाँ का डोसा, साउथ इंडियन फूड। दिनों पहले मुंबई आई थी, लेकिन एक्चुअली कुछ काम के लिए जापानी रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। तो मुंबई चले जाने से पहले और एक बार तो इंडियन खाना खाना चाहिए। हाँ, खाना ही चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ का डोसा शायद थोड़ा अलग हो सकता है दिल्ली से, क्योंकि यहाँ का तो वो है ना महाराष्ट्र मराठी काइंड ऑफ डोसा है। यहाँ तो वो दक्षिण भारत से है तो मराठी डोसा कैसा होता है? दक्षिण भारत से है ना वो तो मतलब। हाँ, दक्षिण भारत तमिलनाडु चेन्नई केरला वहाँ का वो है ना आहार है ना, वहाँ का नाश्ता है ना। हाँ। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा शायद। हाँ। इतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं मराठी लोग हैं अपने हिसाब से कुछ तो चेंज किया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए चलो देखते हैं। आई होप यू विल लाइक इट। स्टे इन ट्यून। लेट्स स्टार्ट। शुरू करें। गाइस हम पहुंच गए हैं ये डोसा वाली दुकान के सामने है ना। और वैसा आज इनकी फ्लाइट है, जाने से पहले वो डोसा ना फटाफट, हाँ फटक से खा के चले जाएंगे हम लोग। हाँ। है ना, चलो आज दिखाता हूँ। वाह वाह, हम तुम देखो वीडियो इमानो मुझ का वास्ते ते इतरा किमाजी तरा। यहाँ पे अच्छा डोसा मिलता है। हाय बड़ा आलू नहीं होता है, ज़्यादा वो हैवी नहीं है। अच्छा तो तुम्हें आलू वाला चाहिए? मसाला डोसा ओ रियली? लेकिन इतना वो हाँ नहीं है तो शेयर करें या ओके तो एक ही प्लेट मंगवा लेते हैं ना, ज़्यादा भूख नहीं है। サムネイルにいいのが撮れたなみたいなリアルな話。キツネディンバードカネワレオイエドーサーハンジェヤーブリネイエマイサインディアとディンチャールサルバーだよなトゥンハインディアメンホントディンサルペレディンサルペレジャパンメンがイバードーサーカイミルタイハンジャパンミルタイハンサウトインディアンレストランへ行けばハペथोड़ा था। देखा नहीं एक्चुअली कभी, मैं भी टोक्यो का निवासी तो हूँ फिर भी। अच्छा आपका बन गया क्या डोसा? बन रहा है। ओके चलो। दिस लुक्स लाइक अ क्रेप इंडियन वर्जन। ये मायोजी अभी अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटो बना रही है। हेलो दिखाओ फोटो किसी बनी है। तरन वाओ, ये अन्ना जी डोसा बना रहे हैं हमारे लिए, खास खास मायोशी के लिए। तरन डोसा कुछ ओके
चलिए आइए मायो खाना खाना शुरू करें। अरे ये 2 प्लेट पड़े हैं मेरा फेवरेट कोकोनट चटनी के साथ। ओ दोस्तों कैसा है? थोड़ा सा मिर्ची लग रही है। हां नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा ज्यादा तीखा नहीं है ना? अरे व्हाट अबाउट दिस वन सांबर? दोनों पसंद है। गाइस आई एम सो हैप्पी दैट इनको पसंद आया है ये डोसा मसाला वाला आलू मसाला वाला डोसा। सो दिस इज द टाइम फॉर मी टू ईट। इतादाकिमास। तारा हंस में खाता हूं। यस गाइस इतादाकिमास। इतादाकिमास। आप और इसका जो टेस्ट है ना थोड़ा सा मीठा खट्टा नो मीठा है खट्टा है और स्पाइसी है। हाँ और स्पाइसी है। खुश हूँ क्योंकि इनको पसंद आया है डोसा। बहुत महंगा है। अच्छा बहुत महंगा है। तकरीबन कितना लगता है उसके लिए? 600 रुपये। ओ वाह। और यहाँ तक कितने का आता है? बोल। ओ यार इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मयूर जी एक सवाल पूछ लूँ, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही है? तो पसीना क्यों नहीं आता? मुझे देखिए कितना पसीना आ रहा है। चलो गाइस अभी हमने काफ़ी खा लिया है तो पेट में ज़रा भी स्पेस नहीं बचा हुआ है तो हम अन्ना जी से इसे पैक करके देने के लिए निवेदन करने जा रहे हैं, है ना? हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा थोड़ा हटके रहे ना। अच्छा उस प्लेट का नाम क्या होता है हिंदी में? खाना चूल्हा? नहीं चूल्हा तो कुछ अलग है। स्पाइसी लग रही है। किससे? मुझे तो ज़रा भी स्पाइसी नहीं लगा था, बस गर्मी बहुत है यहाँ। इन्होंने पैक करके दे दिया है। सो गाइस वी आर एक्चुअली इन हरी बिकॉज़ इनके फ्लाइट है आज, दिल्ली जा रही है। हाँ चलो चलते हैं। अच्छा उसके लिए हो यार वो वीडियो के लिए। थैंक यू। सो गाइस अभी टैक्सी बुक करने के लिए समय नहीं है तो रिक्शा से चले जाएंगे हम लोग। भैया एयरपोर्ट तमिलनाडु इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलोगे क्या? मैं जा। सॉरी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई बॉक्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है यार सब्सक्राइब तो कर लेना प्लीज। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। बाय।